पारडी साहित्य लेखक दीपक कुमार देसाई को मुंबई के अंधेरी में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि दीपक कुमार देसाई को गौ माता के बारे में कविता लिखने के लिए पुरस्कार दिया गया है। गौ भारत भारतीय समाचार पत्र के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एकता मंच द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 15 जुलाई 2023 को ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल वर्सोवा रोड मुंबई अंधेरी में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य आयोजक गौ भारत भारती के अध्यक्ष संपादक लेखक संजय शर्मा आए थे। कार्यक्रम के अवसर पर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी उद्योग के कैबिनेट मंत्री परषोत्तम रूपाला विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके द्वारा विशेष रूप से उपस्थिति में श्रेणियों में 20 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पारड़ी तालुका के तिघरा गाँव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने साहित्य और गौ सेवा के लिए पुरस्कार दिया। इसके साथ ही पारड़ी तिघरा गांव में अनावल समाज के साहित्यकार दीपक कुमार देसाई ने अल्प समय में दादा साहब फाल्के सहित लगातार 5 पुरस्कार प्राप्त कर पूरे वलसाड़ जिले का गौरव बढ़ाया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि यूपी के मनोनीत मंत्री तरुण राठी, श्रमिक नेता अभिजीत राणे, चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अजय कौल, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के सचिव जेपी गुप्ता, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदड़ा, समस्त महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट गौ प्रेमी गिरीश भाई शाह, भारत सरकार खादी ग्राम उद्योग के पूर्व सीईओ यशवंत राव बारामटीकर आदि उपस्थित थे। गौ भारत भारती पुरस्कार समारोह में पारड़ी तालुका के तिघरा गाँव के दीपक कुमार देसाई को साहित्य और गौ माता पर कविता लिखने के लिए कैबिनेट मंत्री परषोत्तम रूपाला ने सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गुजरात से मुंबई आने के लिए दीपक कुमार देसाई को व्यक्तिगत रूप से बधाइयां दी। श्री दीपक देसाई, दीपक, गुजरात गौ सेवा के लिए आपको ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री दीपक देसाई, दीपक, कृपया मंच पर शीघ्रता पूर्वक पधारे। इनका सम्मान भी आदरणीय है, गौ के प्रति आपका समर्पण, और मैं चाहता हूं ऐसे सम्मान के लिए आपके तालियों से भी सम्मान हो। और इस उनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या आप भी मोदी जी के साथ ही कदम मिला रहे हो? उनके भी 9 साल पूरे हो गए, आपके भी 9 साल पूरे हो गए। ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो अपने आप इतिहास बना लेते हैं, ऐसे इस योग को भी बधाई। और इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम को और गरिमा देने हेतु हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, हमारे गिरीश भाई शाह है जो समस्त महाजन के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारी सेवाकीय प्रवृत्ति के साथ साथ सोशल रिफॉर्म के लिए वो बहुत लगे रहे, हमारे श्री तरुण राठी जी जो खास करके मेहमान के रूप में इधर पधारे, उसका सम्मान करने का भी मुझे मौका मिला। वो फिल्म डेवलपमेंट एक सोशल कार्यवाही के साथ करते करते समाज को भी जोड़ के उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे अजय कौल जी जो प्रिंसिपल है, और एक प्रकार से स्थान उन्हीं का ही है, तो हमारे यजमान भी वो माने जाएंगे। उसकी धरती पर इस अवसर को साकार करने का उन्होंने सहयोग भी किया है, इसके लिए उन्हीं का भी धन्यवाद।
तारीख 15 जुलाई 2023 ना रोज अंधेरी वर्सोवा रोड खाते एकता मंच प्रस्तुत गौ भारत भारती ना नववर्ष पूरा थायाना वर्षगांठ निमित्ते श्री संजय अवान गौ भारत भारती अध्यक्ष एडिटर लेखक द्वारा आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सर्वोत्तम सम्माननुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने ए समारोहमां भारत सरकारना केन्द्रीय मंत्री मत्स्योद्योग पशुपालन तेमज डेरी उद्योगना मंत्री केन्द्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपालाजीना हस्ते एवॉर्डनुं वितरण करवामां आव्युं हतुं अने समग्र समारोहनुं अध्यक्ष स्थान श्री पुरुषोत्तम रूपालाजीना अध्यक्ष स्थाने करवामां आव्युं हतुं। હું ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું અને આ ગુજરાતના આપણા માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા આ જે એવોર્ડ મને મળ્યો તે બદલ મને ખૂબ જ આનંદ થયો અને તેમને પણ ખૂબ જ આનંદ થયો જ્યારે એમણે મને એવોર્ડ આપ્યો ત્યારે એમણે ખાસ મને પૂછા કરી કે ગુજરાતથી આવો છો અને તેમને હું ગુજરાતથી આવીને મુંબઈ ખાતે આ એવોર્ડ લીધો તે બદલ તેમણે ખૂબ જ આનંદ વ્યક્ત કર્યો અને તેમણે મને ખૂબ જ અભિનંદન આપ્યા હતા। આ અત્યાર સુધીમાં મને આની સાથે 5મો એવોર્ડ મળ્યો છે। 5મા એવોર્ડથી ઘણો જ આનંદ થયો અને મારી આ જે લેખન પ્રવૃત્તિ છે અને તેને જે પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે આવકાર મળી રહ્યો છે એ બધું ઘણો જ આનંદ હું વ્યક્ત કરું છું અને મને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। આ ઉપરાંત શ્રી સંજય અમ્માનજી ગૌ ભારત ભારતીના અધ્યક્ષ એડિટરનો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું અને તેમને શુભકામના પાઠવું છું।